निकालेंगे कलाम में से पढ़ेंगे मीका 6 उसका 8। मीका की पुस्तक पुराने नियम में 6 उसका 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझ से इसे छोड़ और क्या चाहता है। अब समझ रहे हो प्रभु, आज लोग पूछते हैं प्रभु तेरी इच्छा क्या है, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, मुझे प्रभु की इच्छा जाननी है, मुझे प्रभु का मार्ग जानना है, मुझे प्रभु की योजना जाननी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रभु मुझे बता। प्रभु का कलाम या बात कर रहा है, प्रभु क्या चाहता है इसे छोड़ के, प्रभु क्या चाहता है, क्या चाहता है प्रभु, कि तू सबसे पहला न्याय से काम करे, दूसरा और कृपा से प्रीति रखे, कृपा करने से प्रेम रखे, और तीसरा अपने परमेश्वर के साथ नम्रता और दीनता के साथ चले। इन तीन बातों को छोड़ के प्रभु कह रहा है मैं तुझसे और क्या कह रहा हूं और क्या चाहता हूं। ये तीन बातें प्रभु से, पहले न्याय से काम करना, न्याय से काम करना। आप बाइबल में लिखा है आर गॉड इज अ जस्ट गॉड, वो न्याय का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी नहीं देखता या वो समझौते नहीं करता, वो न्याय परमेश्वर है। हाँ की हाँ है और ना की ना है, कोई समझौता नहीं है बीच में, कोई तीसरा मार्ग नहीं है। बाइबल में लिखा है दो ही मार्ग हैं, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग, दो ही स्थान है जहां पे आत्मा जाएगी, स्वर्ग नरक, तीसरा कोई मार्ग नहीं। वचन मानना ना मानना दो ही बातें हैं, आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता दो ही बातें हैं, बीच में कोई स्थान नहीं है, संसार या परमेश्वर। प्रभु ने कहा तुम दोनों का चुनाव नहीं कर सकते, या पैसा या परमेश्वर, दो ही चुनाव है हमारे पास, कोई मिक्सचर नहीं है। उस प्रभु ने कहा क्योंकि तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है, इसीलिए मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं, कोई बीच वाला मार्ग नहीं है, या पूरा आग से भरे हो या पूरा ठंडे हो, या पूरा परमेश्वर और उसके कलाम से लिप्त हो या पूरा संसारी को, एक ही मार्ग, एक ही चुनाव, मृत्यु और जीवन दोनों मैंने तुम्हारे आगे रखा है, मैं चाहता हूं तुम जीवन का चुनाव करो, वो चुनाव तुम्हारा है। यीशु कह रहा है तुम चुनाव कर लो, तुमने क्या करना है, किसके पीछे चलना है, मेरे परमेश्वर के या अपने पीछे या संसार की चीजों के पीछे, तुम चुनाव करो। दो ही चुनाव है, दो ही रास्ते, दो ही मार्ग हैं, दो ही योजनाएं हैं, आप किसका चुनाव करते हो। इससे यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। प्रभु तो प्रभु ही है फिर, हालेलुया, और कृपा से प्रीति रखे, कंपैशन, तरस। जब प्रभु ने भीड़ को देखा उसका मन तरस से भर गया, वो जेन्युइन प्रेम प्रभु चाहता है। नीति वचन में पढ़ते हैं कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। कृपा, आप किसी को कुछ पाने के लिए प्यार नहीं करते, आप प्रभु के प्यार से प्यार करते, हालेलुया, आप फिर फर्क नहीं करते, आप पार्शियलिटी नहीं करते, कृपा, आप समझ रहे हो, कंपैशन, रूहां दे लई, प्रभु दे काम दे लई, प्रभु की चीजों के लिए, हालेलुया, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आज चल तो रहे हैं लोग प्रभु के साथ, बट नम्रता से नहीं चल रहे, दीनता से नहीं चल रहे, आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे। दिखा तो रहे हैं प्रभु हम तेरे साथ चल रहे हैं,
लोगों को भी बता रहे हैं हम तो प्रभु के साथ चल रहे हैं, पर दीनता से नहीं चल रहे। हालेलुया। प्रभु ने सिर्फ यहां ये नहीं लिखा प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ नम्रता से चले। इसका मतलब आप प्रभु की बातों को एक्सेप्ट करते हो, अपनी गलतियों को मानते हो, आप घमंड में नहीं हो ठहरते कि मैं सही चल रहा हूं, प्रभु तो सब कुछ जानता है। ये बातें घमंड की बातें हैं। एक व्यक्ति जब बोलता है ना प्रभु देखेगा, प्रभु सब जानता है, जब उसको करेक्ट करा जा रहा है और वो बोल रहा है प्रभु मेरा न्याय करेगा, प्रभु जानता है, एक्सेप्ट नहीं करता, आज्ञाकारिता को लेता नहीं है, बट चीजों को, गलतियों को प्रभु के नाम के पीछे छुपा देता है। असली जेन्युइनिटी रिजल्ट लेके आए, लोगों को स्वर्ग पहुंचाएगी। रियलिटी मैं आपको बोल रहा हूं, जब न्याय का दिन आएगा वहां पे चीजें एक्सपोज होंगी। कितना बंदा आत्मिक या कितना दिखावा या कितना अपने आप को धार्मिक बन रहा है। हालेलुया। ये ट्रुथ है, ये सत्य है, रियलिटी। आज आपको, आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आज से आपको रियल क्रिश्चियनिटी में चलना है, असली मसीहत में आपको आगे बढ़ना है। हम नाम के क्रिश्चियन ना बने क्योंकि वो स्वर्ग नहीं जा रहे। रियलिटी में जो प्रभु के साथ मसीहत में चल रहे हैं, उसके लिए तैयार हो रहे हैं, उसकी योजना में वो जा रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ यही चाहता है, न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखो और प्रभु के साथ नम्रता के साथ चलो। कुलुसियों 1:10-11, कुलुसियों की पुस्तक 1:10-11, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार के प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बाइबल में लिखा है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, अपनी इच्छाओं के योग्य नहीं, प्रभु के योग्य हो। आज लोगों को लगता है कि मेरे मन में, मेरी भावनाओं में, मेरी सोच में मैं ठीक चल रहा हूं। आप अपनी सोच में ठीक चल रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ठीक चल रहे हो, क्या प्रभु और प्रभु के कलाम के अनुसार आप चल रहे हो? आज लोग आंखें बंद करके चल रहे हैं। हाँ, क्या दाग है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप समझ रहे हो, आंखें बंद करके मैं सही चल रहा हूं। मैं उस दिन बात कर रहा था, हाँ, कहां गया अनुज, तो मैं बात कर रहा था, आज लोग आंखें बंद करके चल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही चीजें, देखो अब समझ रहे हो, बोला जा रहा है भाई दाग लगा है तेरे, इसको हटा, ये ठीक नहीं लग रहा, आंखें बंद करके बोल रहा है दाग नहीं है, सब ठीक है, पूरी प्लेन व्हाइट शर्ट है मेरी, अब समझ रहे हो। हालेलुया। आंखें बंद है, बोला जा रहा है भाई देख ले दाग है इधर, आंखें खोल नहीं रहा बट क्या कह रहा है, कोई दाग नहीं। आंखें बंद करके चल रहा है, इसको बोला जा रहा है भाई सामने खड्डा है तू गिर जाएगा, आंखें बंद करके बोल रहा है कि कोई खड्डा नहीं है, मैं तो ऐसे ही चलता जाऊंगा। आज बहुत मसीह लोग ऐसी हो गए हैं जिसकी आंखें खुली हैं, जो देख पा रहा है आपको, वो बोल रहा है कि दाग है बट आंखें बंद करके कह रहे हैं जी मैं ठीक चल रहा हूं, अच्छा चल रहा हूं, प्रभु देख रहा है सब, प्रभु दाग को देख रहा है आपके, हाँ आपके अगवे उस दाग को देख पा रहे हैं, अपनी आंखें खोलो क्योंकि तुम उस दाग को देख नहीं पा रहे। जो खड्डा सामने है वो प्रभु भी देख रहा है, वो आत्मिक जन जिनकी आत्मिक आंखें खुली है वो भी देख रहे हैं, भाई तुझे अपनी आंखें खोलनी है क्योंकि अगर नहीं खोलेगा खड्डे में तो बहुत जल्द गिरने वाला है। अब समझ रहे हो, ये बातें, ये सत्य जितना मर्जी बुरा लगे
बट इससे इसको आप झुठला नहीं सकते। हालेलुया। और अगर यह सत्य प्रभु का जो प्रभु ने ठहराया है, मैं लेके नहीं आऊंगा या बमा या प्रभु के जन लेके नहीं आएंगे, तो हम प्रभु के प्रति दोषी ठहरेंगे, क्योंकि प्रभु ने ठहराया ही इसी मकसद के लिए कि ये दाग ये आपसे दूर हो। कलीसिया ने कलंक प्रभु के सम्मुख उसकी दुल्हन तैयार करी जाए, उसमें कलंक या झुर्री ना पाई जाए, वो तैयार पाई जाए। हालेलुया। आज आंखों को खोलने की जरूरत है, आज चीजों को खोल के, हाँ गई गलती है, अगर मुझे नहीं दिख रही, हाँ मुझे जांचने की जरूरत है, हाँ मुझे समझने की जरूरत है, प्रॉब्लम है, खड्डा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट मुझे सतर्क, अगर कोई मुझे बोल रहा है, मेरे अगवे मुझे बोल रहे हैं, प्रभु का कलाम मुझसे बात कर रहा है, मुझे जागने की जरूरत है, मुझे सचेत होने की जरूरत है, मुझे रेडी होने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु के अनुसार चलो, अपनी सोच के अनुसार नहीं कि मैं ठीक चल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। आज मैं इतना हैरान होता हूं कैसे लोग प्रभु पे चीजों को थोप देते हैं। हाँ भाई, संगति में बढ़, प्रभु का आगमन निकट है, और जब प्रभु बुलाएगा तो अपने आप ही आ जाएंगे। जी अपने आप ही आना होंदा तुसी, तब प्रभु का कलाम कदे ना बोलदा कि अंत दे समय विच संगति विच वध। अब समझ रहे हो कि नहीं? एक मकसद के लिए आप ठहराए गए हो, आप बनाए गए हो, आप तैयार करे गए हो। प्रभु ने जो करना था वो कर चुका है, अब हमारी जिम्मेदारी है प्रभु के कलाम को सुनना, समझना और इसके अनुसार चलना। मेरी फीलिंग्स क्या कह रही है या मुझे क्या अच्छा लग रहा है, नहीं, प्रभु के कलाम के अनुसार। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। पढ़ो, उसी कलाम को लगाओ आगे। चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो। आज हमारा जीवन किसको प्रसन्न करे? प्रभु को। आप नहीं प्रसन्न होने, संसार नहीं प्रसन्न हो, बट प्रभु प्रसन्न हो मेरे चाल चलन से। आज हम, हाँ जहां पे हमें लग रहा है हमारे प्रसन्नता में के लिए, हमारे लस्टफुल अभिलाषाओं के लिए, हाँ हम चल रहे हैं और नाम प्रभु का दे रहे हैं। प्रभु शायद प्रभु ही लेके जा रहा है, ये शायद प्रभु की इच्छा है, जब प्रभु बुलाएगा तो आ जाएंगे। प्रभु देख रहा है और कोई अपनी गलती नहीं देख रहे, आप पश्चाताप या रिपेंट नहीं कर रहे, प्रभु। मैं हैरान हूं ऐसे कितने लोग शौक होने वाले हैं जब न्याय का दिन आएगा, जिनको लग रहा है कि हम सही चल रहे हैं, बट रियलिटी उस समय दिखेगी कि कितना आपको, आप सही चल रहे थे, आपको लग तो रहा था। प्रकाशित वाक्य में बहुत ही इसको हम कंप्लीट करेंगे, इसमें लिखा है, लगाओ, और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे। हर प्रकार, उधर लिखा है सब प्रकार से प्रभु प्रसन्न हो, हर क्षेत्र में, आपका सिर्फ चर्च में जीवन नहीं, चर्च में आपका बोलना नहीं, बाहर क्या आपका बोलना है, बाहर आपका कैसे चलना है, बाहर कैसे व्यवहार कर रहे हो, चुगलियों में बैठे हो, बुरी बातों में लगे हुए हो, ठट्ठों की बातें, प्रभु हर एक चीज को देखता है। सब प्रकार से आपका जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला हो और हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हर प्रकार के, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, ये प्रार्थना है, प्रभु की पहचान में बढ़ते जाना, उसकी क्या इच्छा, उसकी क्या योजना है, उसका स्वरूप धारण करना, फलों में लैस होना, उसकी बहुतायत को पाना, प्रभु की पहचान में बढ़ते जाओ। आगे 11, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से
बलवंत होते जाओ, स्थिर रहो, आपका विश्वास मजबूत रहे। संसार आकर्षण लेके आ रहा, आप खड़े हो प्रभु में, प्रभु की हजूरी में, प्रभु के पाक पवित्रताई में चल रहे हो, आकर्षण आ रही है, आप खड़े हो। मैंने कल भी बताया, पिछले संडे बताया था, अट्रैक्शन आ रहे हैं, प्रेशर आ रहे हैं, आप मजबूत खड़े हो, हर सामर्थ्य से आप अड़े और खड़े हो प्रभु में। और यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको आपकी लाइफ में, धीरज और सहनशील। हालेलुया, धीरज और सहनशीलता, हालेलुया। जीवन प्रभु के अनुसार, प्रभु की इच्छा में, आमेन। पहला तिमोथी 1:5 निकाले, आज्ञा का सारांश, मतलब समरी ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक से और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया, आज शुद्ध मन, निष्कपट मन चाहिए। बाइबल में लिखा है उसकी आंखें, प्रभु की आंखें चारों तरफ इस धरती पे लगी हैं और ढूंढ रही हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसका मन उसके प्रति निष्कपट है, ताकि अपनी सामर्थ को वो उसके जीवन में उंडेल सके। शुद्ध मन, आज जो मेरा आत्मिक जीवन है वो बाहर नहीं, समझ रहे हो, वो रियलिटी। जब एक रियल में जो हम्बल बंदा होएगा वो सीखने वाला होगा, वो आज्ञाकारी होगा जो प्रभु से प्रेम करता होगा, वो सिद्धता की ओर बढ़ने वाला होगा। हालेलुया, हमेशा सीखने वाला। प्रभु चाहता है हम नम्रता के साथ उसके साथ चले, शुद्ध मन, बार बार उथला उथला नहीं, गहराई में प्रभु के साथ जाना। उथला उथला सब लगे हुए हैं और दिखा रहे हैं या लग रहा है, अपने आप को फील हो रहा है, हम लोगों को बता रहे हैं, नहीं नहीं प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। आज समझने की जरूरत है, मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, प्रार्थनाओं को जानता है। हाँ प्रभु जानता है सब, जानना, जब न्याय का दिन आएगा तब प्रभु सब पता चल जाएगा आपको कि कितना प्रभु जानता है। हालेलुया, रियलिटी, सत्य है। और जितना जल्दी इस सत्य को समझ ले और जान ले उतना हमारे लिए बेहतर है। आमेन, मैं आपको बोल रहा हूं, जितना आप जल्दी समझ जाओ इसे, क्योंकि उस दिन पे कुछ नहीं, दो ही रास्ते होंगे, स्वर्ग का, नरक का। तो रियलिटी को इधर ही पहचान जाए। आमेन। सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक के साथ, थोड़ी गुड कंसाइंस, अच्छे कॉन्शियस दे नाल तुसी काम कर दे। आपको पता है, अंदर से आपको पता है कि चीजें प्रॉब्लम है, बट आप बाहर ये नहीं शो करते कि कुछ नहीं है। आप चेंज लेके आते हो, आप मानते हो। जब दाऊद के पास नथान भविष्यवक्ता आया कि तूने ये गलती की है, उसने चीजों को छुपाया नहीं, उसने चीजों को अंदर नहीं रखी, उसने माफी मांगी, वो गिड़गिड़ाया, हां मुझसे गलती हुई है और मैं प्रभु के सम्मुख क्षमा मांगना चाहता हूं। ये नम्रता के साथ चलना है। हाँ, एक घमंडी व्यक्ति वो है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं ठीक चल रहा हूं, प्रभु जानता है। अब समझ रहे हो, घमंडी व्यक्ति, और ऐसा बंदा हमेशा गिरेगा। अब समझते हो, अगर कोई बोल रहा है मुझे, अगर प्रभु अपने दासों से बात कर रहा है तो एक मकसद के तहत है, कुछ है जो मुझे बदलने की जरूरत है, जो चीजें मेरे लिए बाधा है उन्हें निकालने की जरूरत है। रियलिटी को समझना है, अगर आप दबा के रखोगे चीजों को, मैं आपको बोल रहा हूं, वो चीजें, वो पाप, वो बुराई बढ़ती जाएगी और एक समय आएगा पूरा घेराव आपका ले लेगी और आपको प्रभु से दूर कर देगी। हालेलुया, प्रभु पे, प्रभु का नियंत्रण अपने ऊपर बनाए रखो। यूहन्ना 2:6, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं और
उसे चाहिए कि आप ही वैसा ही उसे वैसे ही चले जैसा वह चलता था। सामर्थी वचन, अगर कोई कहता है मैं उसमें बना रहता हूं, वो कहते ने मैं यीशु को छोड़ूंगा नहीं। समझ रहे हो? अगर ये बात आपके मुंह पे आ ही रही है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो चीजें नहीं आएंगी? यीशु छोड़ना एक वाक्य में भी आना कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हो? यीशु और छोड़ने को आप एक सेंटेंस में भी कैसे शामिल कर सकते हो? मैं हैरान होता हूं, ये आ भी कैसे सकता है आपस में? नॉर्थ और साउथ पोल कैसे मिल सकते हैं आपस में? आप समझ रहे हो? जिसने मुझे अपनाया उसे मैं कैसे छोड़ सकता? मरते हुए दलदल में जो था खींच के मुझे बचा, कैसे उससे अलग हो सकता हूं? जिसने मुझे अपने हाथों में थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है, कैसे उसे छोड़ दूं? अपने गिरने के लिए जो सपोर्ट है, जिसने संभाले रखा है, जो स्थिर कर रख रहा है मुझे, उसको छोड़ूंगा तो जाऊंगा कहां? सीधा नरक की खाई में। हालेलुया, हैरान होता हूं। जो कोई यह कहता है कि हम उसमें मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप वह वैसा ही चले जैसा वह चलता था, जैसा यीशु चलता था वैसा ही चल ले। सिर्फ बोलने से नहीं, मैं उसमें बना रहता हूं, मैं उसमें हूं, वो जानता है। आपके एक्शंस, आपका चलना वैसे होगा। वो सब कुछ को जानता है बट आप नहीं जानते। हम सारी चीजें प्रभु पे, प्रभु जानता है, प्रभु तो जानता ही है, पर प्रभु कह रहा है कि तुम जानो तुम कहां चल रहे हो, कैसे चल रहे हो और कैसे चलना चाहिए। जो कोई उसमें बना रहता है उसे चाहिए, ये चाहिए, ये बात चाहिए, आपकी लाइफ में होनी चाहिए कि आप भी वैसे ही चाल चले जैसे वो चला था। आप समझ रहे हो? मुझे अच्छा लग रहा है या मेरी फीलिंग्स कैसे कह रही है, नहीं, प्रभु कैसे चला, वचन में क्या पढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञा क्या है, प्रभु के जन जो प्रभु के वचन से बात कर रहे हैं, क्या मेरा जीवन उसके अनुसार है, क्या मैं आज्ञा को मान रहा हूं, क्या मैं नम्रता से इंस्ट्रक्शन को, डांट को ले रहा हूं या बुरा मान जा रहा हूं? ओ मैनू एवं बोल दिता, मैं नहीं आना चर्च। अब समझ रहे हो? शैतान इस प्रकार से लोगों की सारे अनंत काल को नष्ट कर रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो इंस्ट्रक्शंस को नहीं ले सकता, डेवल का विक्टिम बन चुका है। जो प्रभु की बातों को ग्रहण करना जिसने छोड़ दिया, शैतान का शिकार वो बंदा बन चुका है। नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के साथ चलते जाना। हालेलुया। हमने रियलिटी को पहचानना है, हमने फेकनेस में नहीं जाना, हमें रियलिटी को समझना और पहचानना है और रियलिटी में चलना है, क्योंकि रियलिटी ही वहां लेके जाएगी। तो आज मसीह लोग भी ऐसी फेकनेस की दुनिया में जी रहे हैं। लग तो रहा है कि मैं ये कराया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, पर जब देखते हैं, जब आंखें एक रियलिटी में खुलती है तो देखते हैं भाई मैं तो इधर ही बैठा हूं, ये तो बस कुर्सी इधर उधर हिल रही थी। हाँ, आप समझ रहे हो? आज आपको रियलिटी को पहचानना है, आंखों को खोलना है। जो हमें लगता है कि मैं कितना धार्मिक हूं या कितनी प्रार्थनाएं कर रहा हूं, रियलिटी आज प्रभु को चाहिए। रियलिटी में आपको चलना है, जेन्युइनिटी थोड़ी लाइफ जो होनी बहुत जरूरी है। ऊपर उतरा 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 प्रभु को नहीं चाहिए, और ये ना ही ये उतली उतली चीजें मुझे स्वर्ग पहुंचाने वाली है। मैंने कहा था डिसीशंस, निर्णय, संसार, यलमुडी, प्रभु ने बहुत महान दास प्रभु के पास चले गए हैं, उन्होंने एक बहुत ही सामर्थी बात बोली। कहते हैं अगर मैं संसार के साथ चलता हूं
तो प्रभु के साथ चल ही नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु के अगर मैं संसार के साथ चलता हूं तो प्रभु के साथ चल ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? संसार के अनुसार चलना, संसार की रीतियों से चलना, संसार के तौर तरीकों से चलना, जो चीजें संसार या संसार के लोगों को प्रसन्न करें उसके अनुसार चलना। मैंने आपको शुरुआत में कहा था चुनाव, अगर कोई संसार के साथ चल रहा है वो प्रभु के साथ चल नहीं सकता। पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं 2 में, इसमें लिखा है अगर किसी के अंदर संसार का प्रेम है तो उसके अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात कलाम में लिखी है? बोल रहा हूं डिसीशंस एक ही चीज होएगी। हाँ, ग्लास में पानी है तो पानी ही है। समझना है आपको, रियलिटी को पहचानना है। आज पहला यूहन्ना 1:6, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। मेरा तो सीधा कनेक्शन है जी प्रभु दे नाल, प्रभु रूबरू गल करता है मेरे नाल। अगर हम कहें कि उसकी सहभागिता आपके साथ है और फिर अंधकार में चलें, आपके जीवन से तो दिखाई नहीं दे रहा, आपका चलना तो अभी भी झूठ और फरेब में है, अंधकार में है, तो बाइबल बयान करती है तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। सामर्थ्य, अगर हम कहें सीधी गल बात है जी, रात को सीधा प्रभु आंदा है तो सीधा गल करता है, अगर सीधी गल बात होए तोड़ी तो तोड़ा चलना भी उमी होएगा, तो तोड़ा चलना फिर अंधकार च नहीं होएगा, तोड़ा चलना फिर चुगलियां च नहीं होएगा, तोड़ा चलना हाँ फिर व्यभिचार च नहीं होएगा, तोड़ा चलना फिर संसार नू प्रसन्न करना नहीं होएगा, तोड़ा चलना फिर प्रभु दे पैर दे विच होएगा, प्रभु की योजना पे चलना, प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु के भय में चलना। यदि हम कहें उसके साथ से भागीता है, आज बोलते तो है बहुत से भागीता है मेरी, मैं बहुत दुआएं करता हूं, आपका चलना क्यों नहीं दिखाई दे रहा? और अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बाइबल साफ बयान करती है कि वो लोग झूठे हैं और सत्य पर चलते ही नहीं है। तोड़ी जेन्युइन रिलेशनशिप प्रभु दे नाल तोड़ी चाल चलन च दिखाई देगी। हालेलुया। तोड़ी असली रूबरू गल्ला तोड़े चाल चलन च दिखाई देगा, बाकी सिर्फ सारी गल्ला ही ने। उसके साथ सामर्थ्य हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। दिखा रहे हैं चीजें, हाँ ऐसी ऐसी है, लग तो रहा है ऐसा है। वो 5-10 कुआरियां थी, 5 को लग रहा था कि कोई बात नहीं चल जाएगा काम, यीशु आ जाएगा ठीक है। लग तो रहा था कि मैं तैयार हूं, लग तो रहा था कि मैं ठीक चल रहा हूं, लग तो रहा था कि मेरा जीवन सही है, बट असली रिजल्ट, असली पता चलना तब होगा जब यीशु का आगमन होगा। अब तैयार हो या नहीं, फिर सारी चीजें एक्सपोज होंगी। मैं कितना रियलिटी में अंदर से हृदय से चल रहा था या सिर्फ बाहर बाहर से लाइमलाइट। आज रियलिटी में चलो, क्या में दीनता में नम्रता के साथ वो तेल की भरपूरी बनाए रखो। मैं चर्च नहीं आंदा पर मैं घरे बड़ी प्रार्थना करता, मैं घरे बड़ा वचन पढ़ता, मैं करे मैं हिब्रू भी पढ़ता, करे मैं ग्रीक भी पढ़ता। आपका हिब्रू ग्रीक आपको बचाएगा नहीं, प्रभु का कलाम पे चलना आपको बचाएगा। अगर जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे कलाम पे चलेंगे। हालेलुया। जो चीजें आप सुन रहे हो उसको अपने जीवन में लागू करना, उस पर चलना आपको बचाएगा। हालेलुया। तेल की भरपूरी, मैं घर में प्रार्थनाएं कर रहा हूं, प्रभु का कलाम बोल रहा है भी चर्चा संगति में बढ़, प्रभु के भवन में आ। नहीं नहीं जी करे मैं कर रही हूं, करे मेरे नाल प्रभु गल्ला कर दे,
प्रभु गल्ला करता है पर तेरा जीवन अंधकार च है। संभल जाओ, रियलिटी में आ जाओ, उस वर्चुअल फेक वीएफएक्स दुनिया से बाहर निकलो और रियलिटी को पहचानो और रियलिटी में चलना शुरू करो। रियलिटी आपको बचाएगी, वो वीएफएक्स वाले वीएफएक्स में रह जाएंगे, जो रियलिटी में चलने वाले हैं वही दुल्हन तैयार होने वाले।